यूनिवर्सिटी ऑफ वेलनेस सेंटर ये एक ऐसा नाम है जो लोगों की तकलीफें दूर कर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेलनेस सेंटर के वेद यूनिवर्सिटी नफ्स पकड़कर और चेहरा देखकर इंसान के शरीर में क्या क्या रोग पनप रहे उन सब के बारे में बताते हैं। उनके यहाँ जो भी मरीज जाता है उस मरीज की सबसे पहले जो महंगी महंगी जाँचें होती है वह उन जाँचों से बच जाता है, क्योंकि वैद्य जी किसी भी तरह की कोई जांच नहीं करते, सिर्फ नफ्स पकड़कर रोगों के बारे में बताते हैं और उसका इलाज करते हैं। वैद्य जी किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, उसके अलावा कैंसर जैसी बीमारियों का सफल इलाज करते हैं और वे भी आयुर्वेदिक दवाइयों के जरिए। इसके अलावा और जो भी मर्ज होते हैं मरीजों आते हैं उनका भी इलाज करते हैं। आज काफ़ी मरीज थे जो वैद्य जी को दिखाने आए थे, उसमें से हमने कुछ मरीजों से बात की तो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। उन्होंने कहा हम इससे पहले काफ़ी जगह डॉक्टर को दिखा दिखा कर थक चुके थे और जब वैद्य जी को हम दिखाना आए तब से उनकी तकलीफ में उन्हें काफ़ी आराम है और वैद्य जी का इलाज काफ़ी सफल है। वैद्य जी रामपुर की तहसील बिलासपुर के बंगाली कॉलोनी रोड मालवा फार्म गोकुल नगरी में वैद्य यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी वेलनेस सेंटर है, जहाँ पर वैद्य जी बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बैठते हैं और मरीजों के रोगों को दूर करते हैं। तो एक बार जरूर आप भी आइए और आप किसी भी तरह की बीमारी से ग्रस्त हैं तो एक बार वैद्य जी से मिलकर अपनी तकलीफों को दूर कर अपनी जिंदगी में खुशियां लाइए। यूनिवर्सिटी वेलनेस सेंटर ये एक ऐसा नाम और ऐसा ब्रांड बन चुका है जो लोगों की तकलीफें दूर कर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम कर रहा है। जी हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वेलनेस सेंटर के वैद्य जी की। वैद्य जी नस पकड़कर और चेहरा देखकर लोगों के शरीर में पनप रहे रोगों के बारे में बताते हैं और उसका मुस्तकिल गारंटी के साथ जड़ से इलाज करते हैं। जो लोग एलोपैथिक मेडिसिन से इलाज कराते कराते थक गए हैं और उनका मर्ज वहीं का वहीं है, वे एक बार बिलासपुर के यूनिवर्सिटी वेलनेस सेंटर के वैद्य जी से जरूर मिले। आज हम फिर आप पहुंचे हैं यूनिवर्सिटी वेलनेस सेंटर। यहाँ पर जो लोग पहले डॉक्टर को दिखा के थक गए थे उन मरीजों से भी हमने बात की, उन्होंने अपना जो अनुभव बताया जिस तरह से वो तकलीफ से जूझ रहे थे, डॉक्टर दिखा रहे थे, दवाइयाँ खा रहे थे, लेकिन उनके रोग वहीं के वहीं थे। जब से वैद्य जी को उन्होंने दिखाना शुरू किया है तब से उनको रोगों से और तकलीफ से निजात मिली है और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। हमारे साथ यूनिवर्सिटी वेलनेस सेंटर के वैद्य जी वैद्य यूनिवर्स जी हैं। वैद्य जी जिस तरह से एक आपका नाम एक ब्रांड लोगों के चेहरे पर खुशियाँ लाने के नाम से जाना जाता है, नस पकड़ कर किस तरह से रोगों का इलाज करते हैं, और यहाँ पर हमने अभी काफ़ी लोगों से बात की जो आसपास के राज्य से और आसपास के जनपदों से यहाँ आपको दिखाने आए। हाँ, यहाँ पेशेंट काफ़ी दूर दूर से आते हैं और मैं कहूँगा इंडिया से बाहर से काफ़ी पेशेंट आते हैं। आज भी आपने शायद देखा होगा कुछ एक पेशेंट यूके से, अमेरिका से और कुछ कनाडा से आए थे। तो इस तरह से काफ़ी दूर दूर से पेशेंट आते हैं और उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न ये भी है तो लोगों को लगता है कि ये जो नब्ज देख के या चेहरा देख करके ये रोग को क्लियर कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो इसमें इस वजह से भी लोग विशेष करके मैं कहूँगा आते हैं। और हमारे जो आयुर्वेद की जो उतनी भी दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ हमारी बहुत ही खुद की बनाई हुई हैं और खुद की हमारे हम लोग इसको ज़्यादातर जो हर्ब्स हैं उनको मार्केट से नहीं खरीदते हैं। हम सारी की सारी जड़ी बूटियाँ या तो पहाड़ से हमारे पहाड़ों में जो दवाइयाँ हैं हम वहाँ से निकालते हैं या काफ़ी कुछ हमने फार्मिंग भी आपने देखी होगी पीछे हमने फार्मिंग भी काफ़ी करा रखी है तो हम लोग या अपने फार्म में उगाते हैं या फिर हम लोग पहाड़ से फॉरेस्ट से निकलवाते हैं। तो उसी उसकी एक बड़ी वजह ये भी है लोगों पे जो दवाइयाँ वो रिजल्ट आता है तो उसमें काफ़ी दवाइयाँ जैसे हम कैप्सूल्स हैं, टैबलेट हैं, सीरप हैं, हम मदर कल्चर हैं, मदर टिंचर हैं, होम्योपैथ की भी कुछ एक दवाइयाँ हम लोग बना रहे हैं और जो बड़ी कामयाब। वैद्य जी किस किस मर्ज का यहाँ पर आप इलाज करते हैं? हम लोग यहाँ पर आर्थराइटिस पे बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है हम लोगों के, हमारे यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है कैंसर पे भी हमारे बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स पे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं हम लोगों के। इस तरह से स्किन की भी जो स्किन डिजीज हैं लोगों को सोरायसिस है या एक्जिमा है, इस तरह की जो दिक्कतें हैं स्किन पे भी हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। नफ्स पकड़ कर जिस तरह से आज की डेट में लोग हजारों रुपए की जांचें करने के बाद में डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन आप नफ्स पकड़ कर रोगों का पता लगाकर उनका इलाज करते हैं, कैसे मुमकिन होता है? असल में ये टेलीपैथी का कमाल है और मैं कहूँगा ये गॉड गिफ्ट है। मैं कह सकता हूँ ये गॉड गिफ्ट है विशेष करके तो, और ये वैसे टेलीपैथी है। किसी को भी हम लोग नब्ज देख करके, जैसे अब मैं देखता हूँ कि आपने देखा होगा मैं इस तरह से नब्ज को
मैं एक थोड़ा अलग तरह से नब्ज को देखता हूँ। तो ये अलग अलग ऑर्गेन्स को जाकर के हम लोग चेक करते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं, और कुछ इन्हीं चीज़ों से हम लोग लगभग लगभग डायबिटीज कितना, शुगर कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, आर इफेक्ट कैंसर है तो ऑर्गेन्स किस ऑर्गेन्स में है, किस लेवल तक जा चुका है, तो ये सारी एक चीज़ें हैं जो हम लोग मतलब ये कि इसी टैलीपैथी के कमाल है। ये मैं तो वैदिक सबसे ज़्यादा मरीज किस रोग के आते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ ज़्यादातर पेशेंट किडनी फेलियर और लीवर फेलियर के पेशेंट ज़्यादा हैं, कैंसर के पेशेंट भी काफ़ी हैं हमारे पास, मगर मैं कहूँगा कैंसर और लीवर और किडनी से संबंधित लोग ज़्यादा हैं। भाई जी एक सवाल मेरा ये है, किडनी फेलियर और लीवर फेलियर का कारण क्या है? अच्छा, मैं कहूँगा किडनी फेलियर, लीवर फेलियर और कैंसर तीनों चीज़ों का एक मेन कारण है, वो है एसिडिटी और लाइफ स्टाइल का गलत होना। लोगों ने खान पान बहुत गलत कर रखा है, लोगों ने जो चीज़ें खानी चाहिए वो छोड़ दी हैं, लोग बिना भूख के खाना खा रहे हैं, ज़रूर से ज़्यादा खा रहे हैं, और खाना जो भी सब्जियां हैं वो फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा हैं, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा खेती में डाले जा रहे हैं, उसकी बड़ी वजह है किडनी फेल होने की, बड़ी वजह है लीवर की, लीवर फेल की, और एक बड़ी वजह यही एक वजह है कैंसर की मैं कहूँगा। देखिए ये थे यूनिवर्सिटी वेलनेस सेंटर के वैद्य जी जो आजकल लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर हर तरह के रोगों का इलाज करते हैं, जैसे किडनी फेलियर, लीवर फेलियर और कैंसर जैसी बीमारियों का भी सफल इलाज होता है। आदम खान, माय सिटी 24, रामपुर। सीमा, क्या नाम है आपका? सीमा सक्सेना। कहाँ पर आई हूँ मैं? ये वेद जी के पास। क्या परेशानी है? मेरे पैरों में दर्द था, घुटनों में। कितने टाइम से? मुझे तो हो तो गया था 3-4 साल, पर आराम जो मिला वो मुझे यहाँ पे मिला आके, मुझे 3 महीने होगा दवाई लेते हुए यहाँ पे, और मेरी दवाई तो चली रही है, साथ में मेरे बेटे की भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी तो उसका भी इलाज यहीं चल रहा है और उसका आज भी इलाज यहीं चल गया, काफ़ी मतलब आराम है उसको। मेरा नाम बुद्धि पांडे है, मैं किच्चा रहता हूँ, किच्चा से एक सर हमारे बॉस थे ओनर फैक्ट्री मालिक, उनका इलाज चला था आयुर्वेदिक से, तो उन्होंने बताया तब मैं आया था डॉक्टर को दिखाया, सी डायबिटीज थी तो उन्होंने दिखवाया, तो उन्होंने देख के दवा बना दी, तो उसके बाद मेरे को बहुत रिलीफ हुआ मुझे। 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने से आराम। मेरा नाम जगतार सिंह है। आपको क्या परेशानी थी? मेरे लीवर में दिक्कत थी, पेट साफ नहीं होता था, गैस बनती थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बताया था, फिर हमने अपना रुद्रपुर में अमृत हॉस्पिटल में दिखाया, अग्रसेन में दिखाया, फिर रुद्रपुर में हंसा सिंह को दिखाया, पांडे को दिखाया, यानी कि बहुत डॉक्टर को दिखाया, कहीं से हमें आराम नहीं आया। उसके बाद में सब यहाँ से आने लगे हैं तो बिल्कुल अब आराम है। यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में आए हैं।